بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. مختصر حمد و صلاۃ و بعد اس بات اندر کوئی شک نہیں ہے کہ انسان دے پورے وجود تے اختیار صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی دی ذاتی پاک دا ہے، مگر اے احسان خداوندی ہے کہ اللہ پاک نے انسان دے وجود تے خدا اپنا اختیار بھی رکھے ہے. ہر بندے دا او دے بدن تے عارضی طور تے او دا اپنا اختیار بھی ہوندا ہے، لیکن انسان اپنے پورے وجود تے کنٹرول کر سکدا ہے اگر نہیں کر سکدا تے اکھاں دے آنسواں تے نہیں کر سکدا. اے اللہ پاک نے ایسی بے اختیاری چیز بنائی ہے کہ جدوں انسان دی اکھ روندی ہے تے بے ساختہ اودی اکھ وچوں آنسو نکل جاندے اور اونا آنسواں نو روکنا دنیا دی کسی طاقت واسطے ممکن نہیں. اگوں سوچنا تے غور کرنا اے ہے کہ اے جڑے اکھ وچوں آنسو نکل دے نے اینا دا مقصد کی ہے؟ کوئی اپنے کاروبار دی ناکامی تے روئے، کوئی اپنے گھر دی اولاد دی نافرمانی تے روئے، اور کوئی اپنے سجن تے متر دا خط پڑھ کے روئے. لیکن کتنے ہی مبارک او آنسو نے جڑے آنسو اللہ سبحانہ و تعالی دی یاد اندر آنکھ چو نکلن، خشیت الہی دی وجہ تو نکلن، خالق کائنات دی خوشنودی دی خاطر نکلن. آنسو اتنے قیمتی نے، دنیا تے بڑیاں بڑیاں چیزاں طاقتور، پہاڑ بڑا طاقتور ہوندا ہے، پتھر بڑے مضبوط ہوندے نے،
लेकिन पत्थरां नालों मजबूत लोहा है जिहड़ा पत्थरां ते वजदा है ते पत्थर रेदा रेदा हो जांदे ने और लोहे नालों अग ताकतवर है जिहड़ी उस लोहे नूं पिघला के रख दिंदी और लोहे नालों और अग नालों पानी ज्यादा ताकतवर है जिहड़ा उस अग नूं भस्म करके रख दिंदा है। मेरे भाइयों दुनिया दियां बेशुमार चीजां ताकतवर लेकिन सब तो ज्यादा ताकतवर वो आंसू है जिहड़ा आंसू इंसान दी अख विचों याद खुदाबंदी तो निकल गए। ये आंसू एडा ताकतवर है अगर ये आंसू जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी अख चो निकले ते आंसू दा एक कतरा फिरौन दी सारी अग नमरूद दी सारी अग नूं भस्म कर दिंदा है। ये आंसू दा कतरा इतना ताकतवर हुंदा है अगर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम दी अख विचों निकले अल्लाह दरियावां दे पानी रोक छड़दा है। ये अख चो निकलण वाला आंसू दा कतरा इतना बाबरकत और इतना कीमती हुंदा है कि अगर कौम यूनस मिल के एक खुले मैदान अंदर रो के अपनी अखां विचों आंसू कढ़ण ते अल्लाह आए तूफाना दे रुख मोड़ छड़दा है। ये अख चो निकलण वाला आंसू इतना बबरकत हुंदा है इतना कीमती हुंदा है कि अगर आंसू जनाब याकूब अलैहिस्सलाम दी अख विचों निकले अल्लाह 40 सालां दे विछड़े मना छड़दा है। ये अख चो निकलिया होया एक आंसू इतना ताकतवर हुंदा है अगर मैदान बदर अंदर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अख विचों निकले अल्लाह आसमान तो 5000 फरिश्ता फौजी बना के सपाही बना के काफरां लई लड़न लई भेज छड़दा है। मेरे मोहतरम भाइयों ये अख विचों निकलण वाला आंसू दा एक कतरा इतना ताकतवर हुंदा है अगर बंदाए मोमिन दी अख विचों खशियत इलाही दी वजह तो एक आंसू दा कतरा निकल जाए अल्लाह जहन्नम दी अग नूं बुझा के रख देंदा है। हे आंसू दा एक कतरा इतना बाबरकत इतना अजीम और इतना ताकतवर हुंदा है अगर आंसू दा कतरा बंदाए गुनाहगार दी अख विचों तौबा बन के निकल आए अल्लाह एक आंसू दे कतरे दी वजह तो 70 साल दे गुनाहां नूं नेकियां अंदर तब्दील कर छड़दा है। खुश नसीब ने ओ लोग मुकद्दर वाले ने ओ लोग कि जिहड़े रोंदे ने जजां दे सामने नहीं एम पी ए ते एम एन ए दे सामने नहीं बड़े बड़े दुनियादारां ते जगीरदारां दे सामने नहीं और तुहानू मुबारक होए जिहड़े लोग रोंदे हो ते सिर्फ अपने मालक दे सामने रोंदे हो। अल्लाह तौफीक दे दे अल्लाह हिम्मत दे दे अल्लाह ओ कीमती आंसू दे दे जिहड़े आंसू मालिकुल मुल्क दी याद अंदर अख च निकलण। आइए उथों ही शुरू करिए गल जिथे पिछले जुमे आके छोड़ी सी। गौर करना
तवज्जो करना। मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारियां नूं उहदे ते कमा हक हो अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे घर तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया। मेरे आका फरमांदे ने वर रजुलुन ज़करल्लाह खालिया ففاضت عینا فرمایا کائنات دے لوگو او بندہ جدی اکھ وچوں آنسو دا قطرہ نکلے آئے کلیاں بیٹھیاں تنہائی دے عالم دے اندر اپنے اللہ نو یاد کردا اے اپنے خالق نو یاد کردا اے अपने मालिक नूं याद करदा है और फिर याद करदियां करदियां उहदी अख विचों आंसू दा कतरा निकल आंदा है। फाफाजत आईना अखां बरसन लग जांदियां ने अखां चों हंझू इंज डिगदे ने इंज बरसदे ने जिवें सावण दियां बदलियां बरसदियां ने। अल्लाह पाक नूं इन्हां अखां दे विचों निकल वाले आंसू किड्डे पसंद लगते ने। फरमाया वाइजा समिउ मा उन्दिला इलर रसूली तरा आयुनहुम तफीजु मिनद दमअ मिम्मा अरफु मिनल हक يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين। فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी महबूब कई बंदे सानू एडे चंगे लगदे ने कई बंदे सानू एडे प्यारे लगदे ने कईआं बंदिआं दा अंदाज सानू बड़ा चंगा लगदा है। अल्लाह उहनां दा अंदाज की गे फरमाया वाइदा समिउ मा उंदिला इलर रसूल जदों तुहाडे उत्ते नाज़िल होण वाला कुरान तुसीं ज़बान चों पढ़दे हो ना तुसीं ज़बान चों अदा करदे हो ना तरा आयुनहुम तुसीं वेखदे हो उहनां दीआं अखां दे विचों आंसू निकलण लग पैंदे ने वह अल्लाह की याद अंदर होने लग पैंदे ने। खालके कायनात नूं याद करके अखां दे विचों आंसू बहान लग जांदे ने ते रोगी की कहिंदे ने रब्बना आमन्ना अल्लाह सोणिया असीं ईमान लैके आए हां तेरी जात ते साडा ईमान है। अल्लाह तू मुश्किल कुशाए अल्लाह तू हाजत रवाए अल्लाह तू पूरी कायनात दा खालिक है अल्लाह तू पूरी कायनात दा मालिक है अल्लाह तू पूरी कायनात दा दस्तगीर है अल्लाह तू अला कुल शयइन कदीर है। असी गवाही देने तेरे तो इलावा इलाह कोई नहीं तेरे तो इलावा मुश्किल कुशा कोई नहीं। दूसरे मुकाम ते फरमाया फरमाया अहले इलम इलम वाले बंदियां दी निशानी की है रब वाले बंदियां दी निशानी की है अल्लाह वालियां दी सिफत की है। फरमाया बाया खिरूना लिलदकानी यबकूना वयजीदुहुम खुशुआ कुलिदुल्लाह अविदुर रहमान
फलाहुल अस्माउल हुस्ना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाया जदों साडी याद आंदी है ना, जदों सानू याद करदे ने ते की करदे ने, या खिरूना गिर जांदे ने, डिग पैंदे ने, घुटनियां दे बल थले जा पैंदे ने। जदों सानू याद करदे ने उन्हां दियां कदमां विच जान नहीं रह जांदे, जदों साडा जिक्र करदे ने उन्हां दियां लत्तां विचों जान निकल जांदी है। वजूद दा बदन नहीं चुक सकदियां, फिर की करदे ने, या खिरूना डिग पैंदे ने, वया बुकूना रोण लग जांदे ने। खुशुआ ते रो कि अल्लाह दे हुजूर सजदे च डिग के ते की करदे ने। कुल इदुल्लाह अबिदुर रहमान, कदी कहंदे ने अल्लाह सानू माफ कर दे, कदी कहंदे ने रहमाना सानू माफ कर दे, कदी कहंदे ने रहीम सानू माफ कर दे, कदी कहंदे ने करीम सानू माफ कर दे, कदी कहंदे ने जब्बार सानू माफ कर दे, कदी कहंदे ने कहार सानू माफ कर दे, कदी कहंदे ने मुसब्बिरा सानू माफ कर दे, कदी कहंदे ने या गफ्फार या कहार या जब्बार या सत्तार अर्रहमान नुर्रहीम अल-मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार अल-मुतकद्दिरुल खालिकुल बारियुल मुसव्विरुल गफ्फारुल कहारुल वहाबुर रद्दाकुल फत्ताहुल अलीमुल खाबिदुल बासितुल खाफिदुर राफिउल मुइज़ुस समीउ अल बसीर अल हाकमुल अदलुल लतीफुल खबीर या ज़ुल जलाल वल इकराम। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाए ना दा रोना सानू पसंद आंदा, इन्हां दा अखां चों आंसू बहाना पसंद आंदा। इह जदों रोंदे ने सानू बड़े चंगे लगदे ने, इह जदों आंसू बहांदे ने सानू बड़े पसंद लगदे ने। अल्लाह किड्डे को पसंद लगदे ने। मेरे नबी पाक ने फरमाया अगर अल्लाह दी ज़मीन ते बंदे अल्लाह दे सामने रोना छड़ देना ते अल्लाह पाक इन्हां बंदियां नूं अंजी मुका देवे, खत्म कर देवे। अल्लाह इन्हां दी जगह ते होर पैदा करियो बंदे जिहड़े रब दे सामने रोण वाले होवण, अल्लाह दे सामने आंसू बहाण वाले होण। यानी ये दुनिया कैम है उन्हां लोगां दी वजह तों जिहड़े अल्लाह दे सामने रोंदे ने। ये आसमान और जमीन रुकिया खड़ा है उन्हां दी वजह तों जिहड़े अल्लाह दे सामने रोंदे ने। फरमाया मैं रब नूं इन्हां दा रोणा इतना पसंद है, कल कयामत दा दिन होएगा किते पानी दा कतरा नहीं लभेगा, किते साया नहीं लभेगा। मैं कायनात दा रब इलान करके फरमावांगा ओ किथे ने ओ बंदे साडे यार ते साडे बेले जिहड़े सानू याद करके रोया करदे सन। अल्लाह करना की है, फरमाया सबअतुन युज़िल्लुकुम अल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। फरमाया ना सारिआं नूं जमा कर दिओ, कट्ठियां कर दिओ, इन्हां वास्ते मैं अपने अर्श दे थले नूर दे मीनार लगा दित्ते ने, सारे मेरे अर्श दे थले वीआईपी मेहमान होणगे। अल्लाह अकबर। कितना पसंद मालिक नूं बंदा जिहड़ा उहदी बारगाह दे अंदर आंसू बहांदा ते रोंदा है, जिहदियां अखां दे विचों आंसू निकलण सिर्फ अल्लाह दी याद दी खातर। अल्लाह अकबर। अल्लाह तवज्जो करना दराओ
हजरत जी वकार कार कर दे जाना दराओ रोया कर मालिक दे सामने रोया कर अल्लाह 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 वाला की कहिंदा है अल्लाह अगे रोण वाले परेशान होणगे अल्लाह अगे रोण वाले परेशान होणगे अर्श दे उसाए थले हशर नू खलोणगे वुजू वाला बदन हो से नूर नाल रंगया ओए वुजू वाला बदन हो से नूर नाल रंगया शैतान आखे लग के ना जामे सूली टंगया पंज वेले रब दी नमाज पढ़ बंदे आ तू पंज वेले रब दी नमाज पढ़ बंदे आ सही वक्त उत्ते जो नमाज़ा ने अदाम दे सही वक्त उत्ते जो नमाज़ा ने अदाम दे अल्लाह ते रसूल कोलो मर्तबे ओ पाम दे तू भी पढ़ रंग जा तू भी पढ़ रंग जा मोहम्मदी च रंगया शैतान आंखें लग के ना जामे सूली टंगया पंज वेले रब दी नमाज पढ़ बंदे आ अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना दरा हजरत दी वकार गौर कर दे जाना एक दूसरा मुकाम सुनिए अल्लाह दे गुराम दा खाल के कायनात ने फरमाया अल्लाह सुबहानहु व तआला फरमांदे ने अल्लाह अकबर अल्लाह इस सूरतुल बकरा है फरमाया सुम्मा कसत कुलूबकुम मिन बाद ज़ालिका वहिया कल हिजारा औ अशद कसवा व इन मिन الحجارت لما يشقق وإن منها لما يهبط من خشية الله اللہ كما قال اللہ تبارک و تعالی فرمایا دنیا دے لوگو تواڈے دل بڑے سخت ہو گئے نے تواڈے دل تے بڑی سختی والے ہو گئے نے اللہ سونیا انہاں دے دل کڈے کو سخت ہو گئے نے فرمایا اڈے تے پہاڑ بھی سخت نہیں جنے بندیاں دے دل زغت ہو گئے نے اللہ وجہ کیے فرمایا کئی پہاڑ نے سانو یاد کر کے روندے نے کئی پتھر نے سانو یاد کر کے روندے نے کئی پتھراں دیاں بڑیاں بڑیاں چٹاناں ساڈے ذکر دی وجہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندیاں نے کئی بڑے بڑے پہاڑ تے بڑے بڑے پتھر ساڈے ڈر دی وجہ تو ٹکڑے ہو کے زمین تے گر جاندے نے تے جدوں रोंदे ने ना आ जड़ा तेरा नदियां दे विच पानी नजर आंदा है ए जड़ा तेरा दरियावां विच पानी नजर आंदा है ए असल विच पानी नहीं असल विच पत्थरां दियां अखां चो निकलण वाले आंसू ने ए पत्थर जिहड़े अल्लाह दे डर तो रोंदे ने ना इन्हां दियां अखां चो आंसू निकलदे ने ओ आंसू साडियां जनाब सबीला बन जांदे आंसू साडे दरिया बन जांदे फरमाया من خشیت اللہ अल्लाह दे डर तो ये पत्थर रोंदे नजर आंदे ने ये पत्थर आंसू बहांदे नजर आंदे ने सैयदना जनाबे ईसा अलैहि सलातो सलाम एक दिन ना गुजरे जा रहे ने ते को पत्थर दे कोलों दी गुजर होया ते जनाबे ईसा ने की वेखिया के पत्थर दे विचों रोण दी आवाज आ रही है आपने सज्जे खब्बे वेखिया कोई रोण वाला बंदा नजर नहीं आया बड़े हैरान होए परेशान होए कि ऐ रोंदा कौन पिया उदी हेल्प की जाए मदद की जाए पता कीता जाए क्यों रोंदा पिया ते जदो गौर कीता ना ते कोल ही जड़ा पत्थर पिया है ओ पत्थर रो रही है उस पत्थर दे विचो रोण दी आवाज आ रही है बल्कि बाद मुफस्सरीन ने लिखी है कि ओ पत्थर दे नीचों पानी बहिंदा पिया है आंसू बन के पानी गिरदा पिया है अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना दरा
जनाब सैयदना हजरत ईसा अलैहि सलातो सलाम उस पत्थर नाल मुखातब होए। अल्लाह पाक ने हजरत ईसा अलैहि सलाम नो पत्थर दी बोली समझा दिती ते हजरत ईसा अलैहि सलाम उहदे नाल गल करदे ने, कलाम करदे ने, फरमांदे ने पत्थरा तेरे रोण दी वजह की है? तू क्यों रोंदा पिया है? क्यों तनाब आंसू बहांदा पिया है? उन्हें आखा जी मैं सुनिया है अल्लाह पाक फरमांदे ने कि मैं कई पत्थरां नूं भी जहन्नम विच सुट देना है, कई पत्थर भी जहन्नम विच जाणगे ना। और कुरान पाक दी सूरह तहरीम अंदर अल्लाह ने वादे करके लिखिया, अल्लाह फरमांदे ने वकूदुह अन्नास वल हिजारा, फरमाया सी जड़ी जहन्नम दी अग बनाई है ना उस अग दा इंग नसीब बंदियां नूं ते पत्थरां नूं बना दिता है। या उस जहन्नम दी अग दे अंदर बंदे भी सड़नगे ते पत्थर भी सड़नगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह आज दुनिया ते अग जलानी पै जाए ओदे वास्ते सानू कखां दी लोड़ पैंदी है, डीजल पेट्रोल मिट्टी दे तेल दी लोड़ पैंदी है, लेकिन अल्लाह पाक ने जहन्नम दी अग नूं जलाण दा इंतजाम कीता है। उहदा बालण बंदियां नूं बणाया है, उहदा बालण पत्थरां नूं बणाया है। ऐशा सलाम जी मैं तां रोंदा पिया वां जदों दा मैनूं पता लगा है ना, मैं उस दिन तो लग के रोंदा पिया वां ते अल्लाह दियां सुबहां दा पिया वां। मौला ए करीमा मैनूं जहन्नम विच ना सट देवे, अल्लाह मैनूं जहन्नम कोलों बचा ले। पत्थर रोंदे ने जहन्नम नूं याद करके, पत्थर रोंदे ने अल्लाह दे सामने, बंदिया तू क्यों नहीं रोंदा रब दे सामने? पत्थर अंजू बहांदा है रब दे सामने, तू क्यों नहीं अंजू बहांदा रब दे सामने? अल्लाहु अकबर। अल्लाह मैं कुर्बान जावां हजरत दे जीवाकार मेरी गर तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने ते नदलोण वाला कुरान बयान करदा है। सैयदना हजरत याकूब अलैहि सलातो सलाम अल्लाह दे बरगुजीदा पैगंबर, अल्लाह दे प्यारे चुनीदा पैगंबर, जनाब याकूब अलैहि सलातो सलाम जेड़े ने खालके कायनात दी बारगाह दे अंदर आंसू बहांदे ने, अल्लाह दे सामने रोंदे ने अपने बेटे दी जुदाई दे अंदर, ते पुत्र कहिंदे ने अब्बा हर वेले रोंदा ही रहिंदा है, हर वेले आंसू बहांदा रहिंदा है, हर वेले रोंदा रहिंदा है। ते हजरत याकूब अलैहि सलाम ने गो जवाब अंदर फरमाया, इन्नमा बसी व हुज़्नी इलल्लाह व अअलमु मिनल्लाहि व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रो के फरमाते ने, ओए मेरे बेटे ओ मैं तुहाडे अगे नहीं रोंदा, अशकू बसी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं अपने अल्लाह दे सामने रोना वा, मैं अपने खालिक दे सामने रोना वा, मैं अपने मालिक दे सामने आंसू बहाना वा। अल्लाह जनाब दे याकूब अलैहिस्सलाम रो के फरमांदे ने, आशकू बसी वहुज़्नी इलल्लाह, मैं अपने गमां दा अल्लाह दे सामने जिक्र करना वा, मेरे पुत्रो मैं तुहाडे सामने नहीं रोंदा, मैं अपने अल्लाह दे सामने रोना वा। ते मैं तुहानू भी कहंगा अपने दुख भी अगे ना रखिया कर, अपने दुख मैंने दे अगे ना रखिया कर, अपने दुख दुनियादारां दे अगे ना रखिया कर, अपने दुख अपने मालिक दे सामने रखिया करना, फायदा की होएगा? जनाब याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दे सामने रोंदे रहे, रोंदे रहे, रोंदे रहे, रोंदिया रोंदिया 40 साल
गुजर गए। रब्बे कायनात ने हजरत याकूब दे अपने सामने रोण दा मुल पाया। जदो यूसुफ लिया सी उदो बच्चा लिया सी, जदो यूसुफ वापस कीता प्राइम मिनिस्टर बना के कीता ते वक्त दा नबी बना के कीता है। फरमाया जा मेरे याकूब तू साडे सामने रोंदा रहा है ना, तू साडे असी सानू बच्चा दिता सी नबी बना के लुटा दिता, तू सानू परदेसी यूसुफ दिता असी प्राइम मिनिस्टर बना के लुटा दिता। ये बरकत का दिए, ये बरकत अल्लाह दे सामने रोण दिए, अल्लाह दे सामने सुबहान दिए। अल्लाह को अकबर अल्लाह तवज्जो करना दरा मेरी गल तुसां दे पीर मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहि सलातो सलाम। एक दिन अल्लाह दे महबूब पैगंबर एक गज़वे दे अंदर जंग दे अंदर ने, जंग तो बाद अल्लाह दे पैगंबर एक जगह ते रुके ने ना, ते लोग जेड़े ने अलग अलग अपने अपने कम्मां दे अंदर अपने अपने मामलात दे अंदर मशगूल ने ना। एक औरत एक माँ उहदा बच्चा गुम हो गया ते लभदा नहीं पिया, वो लभ फिर दी अपना बच्चा कदी इस खेमे च जांदी है कदी उस खेमे च जांदी है। ए जड़ा हफ्ता गुजरिया है ना, इसे हफ्ते मैनू जर्मनी दे विच एक खातून दा फोन आया, वो कहंदी है मेरे बच्चे मेरे कोलों जुदा हो गए ने, लापता हो गए ने। अल्लाह कोल दुआ करो ना अज जुमे दे खुतबे दे अंदर अल्लाह पाक उस मां दे बच्चे लुटा देवे, अल्लाह उस मां दे बेटे वापस लुटा देवे। बच्चा गुम हो गया ते लभदी फिरदी है, तलाश करदी फिरदी है ना, लभदियां लभदियां उहनूं बड़ी देर तो बाद अपना बच्चा लभिया, ते अपने बच्चे नूं वेख के रोंदी है चुमदी है प्यार करदी है ना, ते रोंदी रोंदी अल्लाह दे महबूब दे पैगंबर दे कोल आ गई। हरद करदी महबूब महबूब इक गल दसो ना, आसमाना दा रब अपने बंदे नाल किन्ना प्यार करदा है। फरमाया बीबी आसमाना दा रब अपने बंदे नाल इन्ना प्यार करदा है जिन्ना तू अपने इस बच्चे नाल करनी है ना, एदे तो 70 गुणा ज्यादा आसमाना दा रब अपने बंदे नाल प्यार करदा है ना। जो ने एक अजीब जी गल कर दिती, उस गल ने मेरे नबी नूं रुला दिता। अर्ज कर दिए सोनिया ऐ मेरा बच्चा है गुम हो गया सी ते मेरी जान ते बन गई सी, बड़ा औखा हो के मैं पुत्र लभिया है ते मेरे कोलों ते अपना बच्चा जुदा नहीं कीता जांदा, ते जिहड़ा रब 70 मावां तो वध के प्यार करदा है वो अपने बंदे नूं अग विच किवें सुट सकदा है, अपने बंदे नूं अग विच किवें सुट सकदा है। हदीस पाक अंदर आंदा है मेरे नबी दियां अखां डुल पईआं, अल्लाह दे नबी इन्ना रोए ने कि मेरे नबी ने अपने चादर अपने चेहरे ते डाल लई है, ते चादर डाल के मेरे पैगंबर रोण लग पै। सहाबी बयान करदा है अल्लाह दे नबी दे हट कोरे जड़े ने ओ चादर दे विचों बार सुनाई देंदे ने, अल्लाह दे नबी दियां हिचकियां उस चादर तो बार सुनाई देंदियां ने। किन्नी देर तक अल्लाह दे पैगंबर रोंदे रहे, फिर मेरे पैगंबर ने अपने चेहरे तो चादर उतारी है, ते मेरे आका फरमांदे ने बीबी असल विच अल्लाह अपने बंदियां नूं जहन्नम विच सुटना नहीं चाहुंदा। लेकिन बीबी दस ना जिहड़ा बंदा रब नूं रब मन्ने कोई ना, जिहड़ा बंदा रब नूं रब मन्ने कोई ना, एवें जिवें कोई बेटा अपने बाप नूं बाप समझी कोई ना, अपने बाप दी इज्जत करे कोई ना, अपने बाप की ना फरमानी कर लग जाए ते फिर बाप मजबूर होके कहिंदा जा तू मेरा कुछ नहीं लगता। अल्लाह पाक ने सिर्फ उस बंदे नूं जखन्नम विच सटना है जिन्हें अल्लाह नाल शिरक कीता है, जिन्हें अल्लाह दी ज़ात दा इनकार कर दिता है। अल्लाहु अकबर अल्लाह में कुर्बान जावां। इस मौके तो बाद आयशा सिद्दीका बयान कर दिया ने अल्लाह दे नबी फिर बड़े ही रोन लग पे। अक्सर अल्लाह दे पैगंबर सजदे च
ਡਿੱਗ ਪੇ ਤੇ ਰੋ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਂਸੂ ਬਹਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੰਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸਜਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਤਨਾ ਤਵੀਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸਜਦੇ ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਤਨਾ ਰੋਏ, ਇਤਨਾ ਰੋਏ, ਇਤਨਾ ਰੋਏ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਵਾਦਾਂ ਹਲਕ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਵਾਦਾਂ ਚੀਖਾਂ ਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਚੀਖਾਂ ਸਿਸਕੀਆਂ ਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਸਿਸਕੀਆਂ ਹਿਚਕੀਆਂ ਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗਿਰ ਕੇ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਵਾਦਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਅੰਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਚ ਜਵਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਉਬਲਦੀ ਹਾਂਡੀ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹਟਕੋਰੇ ਬਣ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਹਿਬੂਬ ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਜੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਜੇ? ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਯਾਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਬੀਓ, ਮੇਰੀ ਆਇਸ਼ਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨਾ ਰੋਇਆ ਜਾਏ ਰੋ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਸੁਬਹਾਏ ਜਾਣ ਬਹਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਬੂਬਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਣ ਦਾ ਮੂੜ ਨਾ ਬਣੇ, ਔਰ ਰੋਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਬੂਬਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਵਜਾਏ ਵੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਜਖਨਮੀ ਜਖਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਰੋਣਗੇ, ਇੰਨਾ ਰੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਤਨਾ ਖੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਕੂਨ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕਸ਼ਤੀ ਚਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਜਹਨਮੀ ਇੰਨਾ ਰੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਰੋ ਤਾਂ ਰੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਧੋਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਆਸੂਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਆਸੂਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਆਸੂਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੱਲ ਜਹੰਮ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮਸਜਿਦ ਮੱਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘਰੇ ਇਕੱਲੇ ਤਨੇ ਤਨਹਾ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਰੋਣ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋ ਲਿਆ ਕਰ ਮਾਲਿਕ ਅੱਗੇ, ਆਂਸੂ ਬਹਾ ਲਿਆ ਕਰ ਮਾਲਿਕ ਅੱਗੇ, ਕਿਰਿਆਦਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਮਾਲਿਕ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਸਾਂ ਦੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਜਨਾਬੇ ਸੈਯਦਨਾ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن نماز پڑھتے پے نے، اللہ دے حضور کھڑے نے جناب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ਤੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਨਾਬੇ ਸੈਯਦਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਜ਼ਾਰੋ ਕਤਾਰ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਏ, ਲੋਕ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਾਬੇ ਸੈਯਦਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਨਮਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਨੇ ਅਦਾ ਫਰਮਾਈ, ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਨਾ। ਸਾਥੀਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਲੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ? ਫਰਮਾਇਆ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆ ਕਰੀਬੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਓ ਯਾਰੋ, ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਸੱਟ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਅਲੀ ਆਪਣੇ ਆਂਸੂ ਸੱਟ ਕੇ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਲੀ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰੋ ਕਰਕੇ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਮੌਲਾ
सारा अली अल्लाह दे सामने रोवन, तू क्यों नहीं रब दे सामने रोंदा? कारोबार चो घाटा पै जाए ते बड़ा रोन लग पैना है, सज्जन नाराज हो जाए ते बड़ा रोन लग पैना है, पेपर चो फेल हो जाए ते बड़ा रोन लग पैना है। नहीं रोना है ते अल्लाह दे हुजूर नहीं रोंदा। जनाबे सैयदना हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो एक दिन नमाज पढ़ा रहे ने, नमाज पढ़ा रहे ने, और नमाज अंदर सूरह तूर की तिलावत फरमा रहे ने, अल्लाह 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 ते तिलावत करदिया करदिया जनाब उमर इस मुकाम ते पहुंचे। इन्ना अदाब रब्बी का लवाके, इन्ना अदाब रब्बी का लवाके, अन करीब तेरे रब दा अदाब वाके होण वाला है, अन करीब तेरे रब दा अदाब वाके होण वाला है। ते मेरी उम्र दियां हिजियां बज गईयां रो रो करके। रावी बयान करदा है मैं आखरी सफ विच, मैं आखरी सफ विच खड़ा होया सा, ते हजरत उमर दे रोण दियां बाजां मैनू आखरी सफ विच सुनाई दित्तियां। जनाब उमर इतना रोंदे पए ने अल्लाह दे हुजूर, अल्लाह को अकबर अल्लाह। लेकिन यार समझ विच ही गल नहीं आंदी, अज साडे दिल इतने सख्त क्यों हो चुके ने? इन्नियां मयतां वेख के भी असीं नहीं रोंदे, एडियां एडियां वड्डियां बबावां दे मुबतला होके भी नहीं रोंदे, एडे एडे फितने मुबतला होके भी नहीं रोंदे। अल्लाह को अकबर अल्लाह। हजरत दी वकार मालिक बड़ा कुछ करके वेख लिया है, ऐ बाबा बाते केड़े केड़े कम तुसी करके नहीं देखे? मास्क पा के तुसी वेख लै, सैनिटाइजर ला के तुसी वेख लै, आइसोलेशन बना के तुसी वेख लै, समाजी फासले करके तुसी वेख लै, और तुसी बड़ा बड़ा कुछ करके देख लिया है, लेकिन बाबा टली कोई नहीं, फितना टलिया कोई नहीं। आओ अज इस गुनागार दी गल मन के अल्लाह अगे रो गई वेख लवो, खालिक दे सामने सुबह आ की वेख लवो ना, अल्लाह दे सामने झुक गई वेख लवो। ओए दो कम कर लो, एक ती अल्लाह अगे रो के वेख लो, बाबा ना टले ते फितना ना टले ते फिर कहना, ते दूसरा पजामा दी शैब पजामा दी बेच के वेख लो, जिन्ने दी लियांदी है ओने दी बेच के वेख लो, ओ सच बोल के वेख लो। ओए कपड़ा बेचण वालिया तू बेईमानी छड़ के वेख लै, ओ पकौड़े समोसे बेचण वालिया कंदा मसाला पा के तू पकौड़े बेचने छड़ के वेख लै, ओ सूद खाण वालिया भला सूद ही छड़ के वेख लै, ओ बेपरदा औरते परदा ही करके देख लै। बड़ा कुछ करके देखिए, कोई ये भी करके देखो, जे बवाद ते फितना न टले ते मैनू नीवी था ते बिठा लिया, और बड़ा कुछ कीता है कुछ ये भी करके देखो। निरा पूरा मास्क नाली नहीं बबावां जांदियां, निरा पूरा समाजी फासलिया नाल नहीं जांदियां, बबावां जांदियां ने जदों बंदा अपने अमाल बदलदा। थोड़े जे अमाल ही बदल के देखो। अल्लाह अकबर अल्लाह। तवज्जो करना हजरात, तेजी वकार गौर कर दे जाना दराओ। मैं जिन्हां बातां दा जिक्र पिया करना दरा मुहब्बत नाल प्यार नाल सुनदे चले जाना। अल्लाह जनाबे उमर रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह दे सामने रो रहे ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। तवज्जो करना मेरे मोहतरम भाइयो, गौर कर दे जाना दरा। जनाबे सैयदना हय्यदना हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह तआला अलैह जदों वुज़ू करन लगदे सन उदों ही रोण लग पैंदे सन, चेहरे दा रंग बदल जांदा सी। जनाबे ज़ैनुल आबिदीन दा पुछिया गया इमाम जी वजह की है, फरमांदे ने मैनू डर लगन लग जांदा है, मैं किड्डी वड्डी जात दे सामने खड़ा होण लगा हाँ। अल्लाह अकबर अल्लाह। मैं कुर्बान जावा हजरात दी वकार, एक अल्लाह दे बड़े भारे वली गुजरे ने अपने इलाके दे, मामू कांजण दे इलाके दे, हजरत मौलाना सूफी अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह आमी बंदे उन्हां दे नाम तो वाकफ ने। बड़ा भारा अल्लाह दा वली गुजरिया है सूफी अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। एक बंदे ने खाना पकाया,
एक आदमी ने, एक मौलवी साहब ने, कारी साहब ने खाना पकाया, दावत पकाई, खाना खान चले गए। ते खाने तो बाद कहन लगा, जी दुआ करो ना, मेरे को औलाद नहीं, अल्लाह मैनू औलाद अता फरमा दे। फरमाते ने मैं तेरे लिए दुआ करांगा, पर एक कम कर, मिंबर ते बह जा, मस्जिद दे मिंबर अल्लाह वाले दियां गल्लां ही अजीब ने। इंज कर, मस्जिद अंदर चला जा, मस्जिद दे मिंबर ते बह जाओ, ते मस्जिद दे मिंबर ते बह ते अल्लाह दियां तारीफां दी तकरीर कर, अल्लाह दी तौहीद दा बयान करना। वो कहंदा, जी दा की माना, मैं तुहानू दुआ दा आखिया है, तुसीं मैनूं तकरीर दा फरमा रहे हो। फरमाया, दुआ करवानी हो ते तैनूं इंज करना पैगा। वो कहंदा, जी बंदे ते हैगे कोई नहीं, मैं तकरीर का दी करां। फरमांदे ने, तकरीर तू करेगा, मैं तेरे सामने बह के सुनांगा। वो कहंदा, जी किड्डी अजीब गल है, तुसी अल्लाह दे डे पारे बलियो, ते मैं मिंबर ते बवां, तुसी थल्ले बह जाओ, चंगा नहीं लगदा। पर मैं जे दुआ करनी है ते इंज करना ही पैगा। वो मजबूर हो के मिंबर ते बह गया, सूफी अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह दे सामने बह गए। वो अल्लाह दी तौहीद ते तकरीर करदा है, जदों कुरान दियां आयतां तौहीद दियां पढ़दा है ना, ते सूफी अब्दुल्ला रो के आसमान वल मुंह करके कहिंदे ने, अल्लाह ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਤੌਹੀਦ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਤੌਹੀਦ ਬਿਆਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਪੜਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਸੂਫੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾਣੇ, ਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਤਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਤਾਲਾ ਲੈ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਸੂਫੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੂਫੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਤਾ ਫਰਮਾ ਛੱਡੀ ਏ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਵੇਖਣਾ ਢੰਗ ਸਿੱਖ ਰੱਬ ਦੇ, ਰੱਲ ਸਿੱਖ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਉਹ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਣ ਦਾ ਵੱਲ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਏ, MPA ਕੋਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ ਵਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ, MPA ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਰੋਣ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਕਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੋਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਰੋਈਦਾ ਏ। ਚੋਕ ਦਾਦੂ ਦੇ ਕੱਲਾ ਦੇ ਬਲੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਬਾਕਰ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਖਿਤਾ ਲਾ ਲੈ, ਅੱਲਾ 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 ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਮਾਜ਼ੀ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਵਹਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਰਮਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਚੱਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੀਂਜੀ ਮਨਾ ਕੇ ਵੇਖ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਸਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੂਫੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਆਂ ਬਾਕਰ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਫਰਮਾ ਕਰਦੀ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, 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 ਅੱਲਾ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖੋ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਸੋਹਣਿਆ ਮਾਲਕਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਟਾ ਡੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਰੱਜ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਇੰਜ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਟੁੱਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਟੀ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੇਲੀ ਚੰਗੇਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਗੇਰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਸੂਫੀ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ
मियां बाकर रहमतुल्ला अलैह बार बार फरमांदे अल्लाह मैं तेरे तेरा दियां अल्लाह मैं तेरे तेरा दियां लोका पुछिया मियां जी ये केड़े कम पै जांदे हो अल्लाह कोलो औलाद मंग लिया करो अल्लाह कोलो बेटे मंग लिया करो अल्लाह कोलो बेटियां मंग लिया करो अल्लाह कोलो नियमत मंग लिया करो कुछ भी नहीं जे मंगदे बस इको गल कहंदे रहंदे जी अल्लाह मैं तेरे तेरा अकबर मानते ने कमड़े तनु की पता इस गल का तनु की पता है किड्डा वड्डा राज छुपया है रब दे बली उथे पहुंचते ने जिथे बंदे दिया सोचा नहीं पहुंचदिया अर मानते ने कमलियो तानू की पता है देवे जे किड्डा वड्डा राज है एक दिन साथी कहन लगे मियां जी दसो ते सही ना इस गल विच केड़ी गल छुपी हुई है फरमांदे ने गल सिद्धी सिद्धी है मैं जो सारी जिंदगी अल्लाह नू कहिंदा रहा अल्लाह मैं तेरे तेरा दियां अल्लाह मैं तेरे तेरा दियां ते एक दिन मेरे रब दी रहमत जोश अंदर आ जावे ते मेरा अल्लाह कह दे वे जा मियां बाकर असी भी तेरे तेरा दियां ते मेरा काम बन जाएगा मियां बाकर दी सारी जिंदगी दा रोना एक पासे सारी जिंदगी दे आंसू एक पासे ते मालिक दा एक बारी नजरे करम कर देना एक पासे मालिक दा एक बारी कह देना जा असी भी तेरे तेरा दियां अल्लाह अल्लाह हर कोई आखे मेरा मेरा ते मेरी आंखा मेरा हर कोई आखे मेरा मेरा मैं भी आखा मेरा जिते मौला गल नहीं बनदी कदी तू भी कह छड़ मेरा जिते मौला गल नहीं बनदी कदी तू भी कह छड़ मेरा अल्लाह अकबर ला वाइदा समीउ मा أيونهم ترى أيونهم تفيد من الدمع مما عرفوا من الحق यार वेखे ना किड्डा दर्द ना जुमलियां दे अंदर अल्लाह फरमांदे ने ترى أيونهم की माना सोनिया जदों तुसी कुरान पढ़दे हो ना ते ए रोंदे ने जरा मेरे बंदियां दी अखां वल ते वेखो ना जरा मेरे बंदियां दी अखां तरा दा मना करदा पिया तरा आयो ना हो मैं सुनया जरा मेरे बंदियां दी अखां वल ते वेखो ना मेरे बंदे रोंदे किड्डे चंगे लगदे ने मेरे बंदियां दी सिसकियां मैनू किड्डियां चंगियां लगदियां ने मेरे बंदियां दे हंजू मैं रब नू कितने पसंद ने तरा आयो ना हो मैं तरा आयो ना हो मैं तरा आयो ना हो तफीद मिन दमع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا हजराते दी वकार गल रब अगे रोन नल बनेंगे गल सुभान नल बनेंगे गल सजदे करन नल बनेंगे गल अखां चों सुभान नल बनेंगे गल रब दे सामने रोन नल बनेंगे दुनिया दे सामने रोना बंद अल्लाह दे सामने रोना शुरू कर दियो अल्लाह दे सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दियो इंशाल्लाह ओए मैनू दसो खां जदों कोई बच्चा मां दे सामने रोवे ते मां नू मनना पैंदा के नहीं मनना पैंदा ते जिहड़ा रब 70 मावां तो वध के प्यार करदा है ओए ओहदे सामने रो के ते वेखो हो सकदा ओह ना मन्ने तू रो सही ओह मन्नेगा तू रो सही ओह सुनेगा तू पुकार सही ओह तेरी फरियाद सुनेगा आइए
इस वक्त दी सब तो बड़ी जरूरत है। मैं हुक्कामे बाला से गुजारिश करूंगा, मसाजिद के दरवाजे बंद ना करो, मस्जिद नबी को बंद ना करो, मस्जिद हराम को बंद ना करो, मसाजिद को खोलो ताकि ये लोग अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं या रोएं और सारा कुछ करके वेखिया जे इस कौम नु छुट्टी दियो ए मस्जिदां च बह के अल्लाह दे सामने रो के वखाए जे फितने ना टलन ते फिर आके रब दे सामने रोन नाल बड़े बड़े मसले हल होए। अल्लाह पाक दी बारगाह अंदर दुआ है मैं जो कुछ बयान कीता है अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दुआ ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।